नमस्कार, स्वागत है आपका एएनएन 24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने की सोच के साथ उपायुक्त श्री राजीव कुमार जिले के मनिका प्रखंड का दौरा किए। इस दौरान उन्होंने भटको समेत दर्जनों गांव में पहुंच प्रखंड में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण योजना, मनरेगा समेत दर्जनों योजनाओं का निरीक्षण कर उसे पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारने को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त श्री कुमार ने स्पष्ट कहा कि गांव के विकास में सबसे बड़ा बाधक बिचौलिए हैं, जो विकास योजनाओं को धरातल पर उतरने से रोक रहे हैं। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को ऐसे लोगों को चिन्हित कर सीधी कार्रवाई करने को लेकर निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं शौचालय निर्माण कार्य को गति देने की बात कही। मौके पर प्रमुख, उप प्रमुख, सीईओ, बीडीओ समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। गया अंतः सलीला फल्गु नदी हिंदू धर्मावलंबियों के पूर्वजों के मोक्ष प्राप्ति का एक विश्वविख्यात नदी है, जिसे गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। फल्गु नदी के संबंध में कहा जाता है कि माता सीता द्वारा ये शापित नदी है, जिसे माता सीता ने शाप दिया था कि तुम नदी बिन पानी के रहोगी। यही कारण है कि कुछ लोगों का मानना है कि माता सीता के श्राप से ही फल्गु नदी में पानी नहीं रहती है, केवल बरसात के मौसम में ही पानी नदी में रहता है। आपको बता दें कि इसके पूर्व जब वर्षा गया में नहीं हो रही थी, प्रचंड गर्मी की, उस समय पिंडदानियों के लिए पानी भारी किल्लत थी और पानी खरीदकर पिंडदानी अपने पूर्वजों का पिंडदान एवं तर्पण के कार्य करते थे। वर्षा होने से पूरा फल्गु नदी लबालब पानी से भरा है और आने वाला प्रतिपक्ष मेले में देश विदेश से आए पिंडदानी फल्गु के पानी से तर्पण करेंगे। यह बड़ा ही पिंडदानियों के लिए सौभाग्य की बात है। आपको बता दें कि प्रतिपक्ष मेले में देश विदेश से लाखों तीर्थयात्री अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान करने आते हैं और पिंडदानियों की सुरक्षा व्यवस्था एवं मेला स्थल की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसमें बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी सहयोग रहता है। ये फल्गु नदी है, इसमें पहले पानी नहीं था तो जो पितृ तर्पण करने आते थे उनको बहुत परेशानी होती थी। अब पानी आ गया तो ये लोगों के लिए बहुत, मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। मेरे पिताजी के यहाँ मैं तर्पण करने के लिए आया हूँ राजस्थान जोधपुर से, और यहाँ की गुप्त गंगा आती है। उत्तम नदी है, गंगा नदी है, गुप्त गंगा चलती है, इसके अंदर से पितरों का उद्धार होता है यहाँ पर। और ये गया जी नदी माना जाता है इसको, गया नदी, फाल्गु नदी कहते हैं इसको। बहुत सौभाग्य की बात, बहुत सौभाग्य होती है। साक्षात जल हम अपने हाथों को साथ साथ जल अपने हाथों से हम तर्पण करते हैं यहाँ पर। इस नदी का नाम फल्गु गंगा है, ये गुप्त गंगा है। इसमें सीता माता का श्रापित दिया हुआ है, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। आदि कालों से चलते आ रहा है ये गुप्त गंगा के नाम से। सलीता बहती है अंदर की ओर, मगर बहुत भाग की बात है कि अभी कुछ दिन पहले बारिश हुआ, बारिश के चलते यहाँ पे बहुत जल दोनों कोर में भरा है और हर लोग अपने पितरों को तृप्ति करने के लिए यहाँ पे आते हैं और अपने पितरों को तृप्त करते हैं, जल देकर और पिंड देकर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। हमारा पिंडदान का पहला स्थान फल्गु गंगा है। बाबा, फल्गु में पानी नहीं था, लोग देश विदेश से आते थे, क्या परेशानी? परेशानी बहुत होती थी। वो गड्ढा खन के 5 फीट 4 फीट हम लोग गड्ढा खन के रखते थे, उस गड्ढे में लोटे से जल निकालकर अपने पितरों को लिए श्रद्धा भाव तर्पण करते थे। आज क्या है कि गड्ढा खनने का जरूरत नहीं है, साक्षात गंगा ब्रिजमान है, हाथों से जल लेकर और पितरों को तर्पण करके तृप्त कर रहे हैं पितरों को। आज फल्गु में पानी आ गया और इससे क्या मतलब फायदा है? बहुत अपने पितरों को प्रति जो भी भाव है, ये जो भी जल है, ये पितरों को प्रति भाव होकर ये जल को हम स्पर्श करते हैं और जल को स्पर्श करने से अपना किया हुआ पाप कटता है और अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति। दुष्कर्म मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है आशाराम, लेकिन पूर्णिमा में अपने गुरु से मिलने की आस में सैकड़ों हजारों श्रद्धालु आज भी जोधपुर पहुंचे। आज आसाराम समर्थकों ने जेल के बाहर ही पूजा कर और संध्या आरती की और आज भी अपने आराध्य को बेगुनाह बताया। अभी तक आसाराम के भक्त यह मानने को तैयार नहीं है कि उन पर लगे आरोप सही हैं। बिहार के नैक से ए मान्यता प्राप्त गया कॉलेज के पीजी विभाग के अंग्रेजी के वरिष्ठ प्रोफेसर मोहम्मद बकार अहमद अपने छात्रों को प्रोजेक्ट के माध्यम से घर पर बुलाते हैं और अश्लील बातें करते हैं। हालांकि इनका ये इस तरह का पहला केस नहीं है, इससे पहले भी दूसरे छात्रा के साथ कॉलेज में ही अश्लील बातें कर चुके हैं, जिसके बाद इन्हें कॉलेज के छात्रों ने मिलकर धुनाई भी की, लेकिन आदत छोड़ने को मजबूर नहीं है। ऐसा ही मामला है एक बार फिर सुर्खियों में आया, जब
पीजी के चार सेमेस्टर के छात्रा को प्रोफेसर के द्वारा पहले तो कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाने की बात किए, जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो उसे कॉलेज में देखने के बजाय अपने घर बुलाते हैं और फोन पर मार्क्स बढ़ाने के नाम पर अश्लील बातें करते हैं। तंगाकर रामपुर थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया गया। ऐसे प्रोफेसर को कॉलेज से हटा देना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि इस तरह की हरकत किसी और छात्रा से ना कर सके। वहीं इस पूरे मामले में एसएसपी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। ऑडियो के आधार पर छात्रा के बयान पर कार्रवाई किया जाएगा। जो भी इसमें संलिप्त है उस पर कार्रवाई की जाएगी। परसों मैं प्रोजेक्ट बनाने को लेकर कॉलेज गई थी। कॉलेज में जब मैं सर के पास गई तो सर ने मेरा नंबर और नाम लिया और बोला कि अगर मुझे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा इस नंबर पे कॉल करके। उसके बाद जैसे ही मैं घर आने लगी तो रास्ते में ही उन्होंने कॉल किया और बोला कि मेरे पास कुछ नोट्स है इस प्रोजेक्ट को लेके, तुम आ जाओ और ले लो वो नोट्स। तो मैं कही कि ठीक है सर, मैं आती हूँ कॉलेज में। तो सर ने कहा नहीं, अभी कॉलेज में मत आओ, मैं घर पे आ गया हूँ, तुम मेरे घर पे आके प्रोजेक्ट ले लो। तो मैं, चूंकि मैं अपनी बहन के साथ थी, तो मैं अपनी बहन के साथ, छोटी बहन के साथ उनके घर पे गई। लगभग 10 मिनट रुका, 10 मिनट में उन्होंने कुछ भी अश्लील बातें भी नहीं कही, ना कुछ ऐसा किया जो हमको लगे कि गलत है। वो बस प्रोजेक्ट को लेकर ही बातें हुई 10 मिनट, उसके बाद मैं घर आ गई। जब घर आई तो शाम को 4:30 बजे उन्होंने फिर से कॉल किया और फिर मेरे साथ अश्लील बातें करनी शुरू कर दी, जिसपे मैंने आपत्ति जताई। उसके बाद भी वो लगातार 2-3 बार कॉल करते रहे। बाद में कल शाम को फिर से वो बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे। तब उनको हम वार्निंग भी किए कि सर मैं आपका कॉल रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं आगे तक जाऊँगी। तो उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया, साफ साफ इग्नोर कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने बहुत गंदी गंदी बातें कही। मैं चाहती हूँ कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। मामला तो थाना में FIR हुआ है, थाने के सामने पर है और विभाग से भी पता किए, उसका विभागाध्यक्ष से पूछे, उन्होंने भी कहा कि हमारी बात उनसे हुई है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमसे गलती हो गई, हम ऐसा बात किए। कहाँ की लड़की थी सर? अब लड़की जो लिख के दिया है वो हमारे ही इंग्लिश के है और रहने वाले लोगों की है, और ये घटना कैंपस की भी नहीं है, घटना उनका डायरेक्ट घर ही की बात। पूरी मामला क्या था? पूरी मामला तो जो इसमें लिख के दिया है और हम जो पता कर रहे हैं उसमें मामला ये है कि वो टीचर जो है बकार, उसने ऐसी बात, गंदी बात कुछ किया है उनके साथ कि नोट्स वगैरह देंगे तुम, हमारी बात मान लो। अगर हमने कमेटी का गठन किया है, कमेटी का 2 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगा है, कमेटी अगर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई के लिए लिखती है हमको, कार्रवाई रिपोर्ट सही है, जो ऑडियो क्लिप में तो लग रहा है कि उनकी आवाज़ है, तो अगर वैसा सही रिपोर्ट आता है तो जो हमारे अधिकार में होगा वो कार्रवाई हम तुरंत करेंगे, और बाकी जो अधिकार नहीं होगा उसके लिए हम विश्वविद्यालय को लिखेंगे। इस संबंध में अभी जैसे हम आए हैं रामपुर थाना में, आप लोगों द्वारा बताया गया, थाना अध्यक्ष से पूछताछ के लिए थाना अध्यक्ष द्वारा भी बताया गया कि एक कॉलेज की छात्रा है जिसके द्वारा एक आवेदन दिया गया, उसके आवेदन को ले लिया गया। इस संबंध में उनको तुरंत इंस्ट्रक्ट किया गया कि अभी जाके गया कॉलेज में क्या वस्तु चले, उस वस्तु स्थिति की जाँच कर लें और उसके बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो मामले में की जाएगी। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। झारखंड में गुमला सदर थाना क्षेत्र के असनी गांव में बिग्गी देवी नामक एक 55 वर्षीय महिला की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद हत्यारों ने महिला के शव को फांसी का रूप देने के लिए महिला की साड़ी को फांसी का फंदा बनाकर उसके घर पर ही शव को लटका दिया, जिससे लोगों को ये लगे कि महिला ने आत्महत्या की है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को पुलिस उनके परिजनों को सौंप दी। बताया जाता है कि देर रात महिला के घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आई, लेकिन भयवश आस पड़ोस के घर वाले नहीं निकले। महिला की हत्या लाठी डंडे से पीट पीट कर की गई है। मुख्यालय DSP ने बताया कि एक महिला की हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया मामला जो सामने आ रहा है वह डायन बिसाई का है। इस पूरे मामले पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। DSP ने कहा कि महिला के पास इतनी संपत्ति भी नहीं थी कि किसी से उसका जमीन का विवाद हो। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि महिला की हत्या डायन बिसाई के मामले पर की गई है। हालांकि पुलिस इस मामले पर गहनता से अनुसंधान कर रही है। मंगलवार को अपना खेत में गए थे, उसके बाद शाम को क्या हुआ क्या नहीं उसको तो कोई नहीं जान रहा है। उसके बाद हम लोग आए, उसके बाद दूसरे दिन हम लोग फोन किए, बुधवार को फोन नहीं लग रहा है उसका, हम लोग तो नहीं जान रहे हैं।
तो आज ना हम लोग को पता चला कि मतलब काय फोन नहीं चक रही है, सिर्फ काय नहीं कर रही है उसको। तो उसके बाद हम लोग उठाए उस पर, फिर एक लड़का का हम लोग भेजे तो दीवार फांद के मतलब गया। उसके बाद गेट तो पूरा बंद था दो तीन दिन से, काहे नहीं उठ रही बोल के। सुबह तो लड़का गया, उसके बाद खोला दरवाज़ा तो देख रही पूरा देख रहा है वो लड़का पूरा लगता हुआ वहाँ सामने दरवाजे के पास। क्या लटका हुआ? लाश है, फांसी करके लटका हुआ है। तो वो देखा उसके बाद वो लौट के रोते रोते वो आ गया। तो हिम्मत नहीं हुआ कि मतलब कि बात करने का उसको। फिर उसके बाद में फिर हम लोग को फ़ोन किया वो। फ़ोन करने के बाद फिर हम लोग आए, ऐसे ऐसे घटना हो गया बोला। फिर घटना हुआ, उसके बाद हम लोग गए, उसके बाद देख रहे हम लोग सही बात है। बिगी देवी जिसको एक बेटी है जो कि गुमला में रहती है, और वो वहाँ अकेले रहती थी बिगी देवी असनी गांव में। और वो मंगल की रात को ही पता चल रहा है कि मंगल की रात के बाद उसका आता पता नहीं चला। किसी ने उसे मोबाइल पर फ़ोन किया, मोबाइल नहीं उठा, तो लोग देखने आए तो अंदर से बाहर से किवाड़ लगा था, खोल के देखे तो वो टंगी हुई मिली। लेकिन जो ही सबको उतारा गया तो देखने से लग रहा है कि मारने के बाद उसको टांग दिया गया है और उसे फांसी का रूप दिया गया, जो कि एक मतलब कि साक्ष्य छुपाने का काम हुआ है। पोस्टमार्टम हो गया है और अज्ञात व्यक्ति द्वारा यह कार्य किया गया है। लेकिन हत्या जब भी होती है तो किसी कारणवश होती है, और ऐसा वहाँ नहीं लगता है कि इसके पास कोई इतना धन संपत्ति हो कि इसकी हत्या की जा सके। डायन विसाइन का थोड़ा सा इसमें आ रहा है, ये तो अनुसंधान का विषय है। रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र में सेनी माली समाज के द्वारा संत शिरोमणि श्री लक्ष्मीदास महाराज जी की जयंती धूमधाम से महोत्सव को मनाया गया, जिसमें कस्बे के साथ साथ आसपास के ग्रामीण समाज बंधुओं ने भी आयोजन में हिस्सा लेकर शोभा बढ़ाई। सैकड़ों की संख्या में सेनी समाज के लोग मौजूद रहे। जलसे के रूप में पूरे रियाबड़ी शहर में डीजे की धुन के साथ साथ लक्ष्मीदास जी महाराज की झांकियां ट्रैक्टर पर सजाई हुई थी। सभी राहगीरों को रास्ते भर में प्रसाद वितरण किया गया। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की पूर्व संध्या पर सैनी समाज द्वारा मेला मैदान में करवाया गया भजन संध्या का आयोजन। शहर में मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व व चंद्र ग्रहण के चलते कई जगहों पर किए जा रहे हैं गायत्री यज्ञ, भजन और कीर्तन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 पर। नमस्कार।